हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में आपको एक यूएसबी कार्ड को देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्ड है यूएसबी, जहाँ पर आपको MP3, FM, ब्लूटूथ, यूएसबी टेप, TF, यहाँ पर आप एक मेमोरी कार्ड लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्स है, तो इन सभी का ये देखने को आपको मिलेगा ये कार्ड में। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, और इस वीडियो में मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपका इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसमें आपको एक रिमोट मिल जाता है, यहाँ जो है वो ऑडियो आउटपुट का एक जैक मिलेगा, यहाँ जो है वो देखिए ये आपको सिर्फ मिलेगा इतना देख रहे हैं। ये मैं इसका कनेक्शन करके यहाँ पर प्लस माइनस का कनेक्शन दे करके उसके बाद 5 वोल्ट सप्लाई इसमें दूंगा, और यहाँ स्विच का यूज किया हूँ। तो इसका एक ये जैक मिल जाता है, जहाँ पर आप इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई इनपुट देंगे तो उस पर आपका ये वर्क करेगा। इसके लिए ये देखिए 7805 का एक रेगुलेटर है, वो मैं बना रखा हूँ यहाँ पर। तो मेरे चैनल में आपको इसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा किस तरह से इसका कनेक्शन जो किया हूँ, कितने कितने कैपेसिटर नंबर का यूज करके लगाया हूँ, कितने नंबर का PF का भी यूज किया हूँ। तो इसका भी कनेक्शन हम इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक 5406 का IC का एक छोटा सा PCB बोर्ड है एम्पलीफायर का, तो उससे हम इसका कनेक्शन करेंगे और टोटल डिटेल से आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ आपको 5 वोल्ट निकालना है और इसमें आपको कनेक्शन करना होगा। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखें, ये जो है एक 5406 का PCB बोर्ड है, इसका भी पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, इसका कनेक्शन कैसे मैं किया और इसमें माइक का कनेक्शन किस तरह से किया हूँ वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ देखिए दो इसमें लेफ्ट और राइट चैनल का भी यूज है, जहाँ पर इसमें आप दो स्पीकर बजा सकते हैं। एक TV का स्पीकर भी मैं इसमें आपको बजा करके दिखाया था, तो वो भी आप इसलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसका कनेक्शन के लिए आपको दो वायर का यूज करना होगा। तो अब हम यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम एक एक वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। ये नेगेटिव के लिए एक वायर को हम यहाँ से सोल्डिंग करके निकाल लेंगे। ये जो आप रेगुलेटर देख रहे हैं 7805 का, उसके लिए आपको सप्लाई जो है इसमें 6 वोल्ट से ऊपर ही देना है, 6 वोल्ट से 35 वोल्ट तक। बट यहाँ जो है वो आपको 9 वोल्ट ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 9 वोल्ट में भी आपको 5 वोल्ट बनाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी हम एक वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। एक ये वायर दोनों एक प्लस एक नेगेटिव में कनेक्ट करके निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर का इस साइड, ये नेगेटिव है और यहाँ जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर एक एक वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, इस कैपेसिटर पर हम वायर को कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव वायर जो आप देख रहे हैं, इस वायर को भी सोल्डिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपका ये रेगुलेटर में इसमें 9 वोल्ट का सप्लाई इन हो चुका है और यहाँ से आपको 5 वोल्ट का सप्लाई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप दो वायर को सोल्डिंग कर लें। उसके लिए मैं आपको यहाँ एक वायर दिखाया था जो कनेक्शन करना है 5 वोल्ट। तो इसका जो आप देख रहे हैं ये दो वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ हम कनेक्ट कर लेंगे। LED को भी लगाएंगे, वो हमको शो करेगा कि इसमें आउटपुट जो है वो जा रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जो है इसका नेगेटिव है, तो इस पर हम एक वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। अभी देखिए, इस तरह से एक वायर को यहाँ पर भी आपको सोल्डिंग कर लेना होगा। जो दो वायर है आउटपुट 5 वोल्ट का, वो भी सोल्डिंग हो चुका है। इस PCB बोर्ड से यहाँ से कनेक्शन निकल चुका है। यहाँ अब बारी आया कि यहाँ पर आपको इनपुट, यहाँ देखिए इसमें आपको सप्लाई इन कराना है, जहाँ लेफ्ट और राइट वो के लिए, ये एक लेफ्ट का एक राइट का है और ये ग्राउंड है। तो इन सभी को मैं कनेक्शन करूँगा इस वायर से। ये जो आप देख रहे हैं कार्ड का वायर है, जहाँ से आपको आउटपुट निकलेगा। तो इन वायर में हम एक एक वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ जो वायर देख रहे हैं, ये इसका ग्राउंड है ब्लैक वायर, और ये जो है इसका ग्राउंड है। तो बीच वाला ग्राउंड में हम यहाँ पर कनेक्ट करके सोल्डिंग करेंगे। ये आप इस तरह से पहले लपेट दें, और इसमें से देखिए एक एक वायर जो है वो आपका निकल जाएगा, लेफ्ट के लिए एक, राइट के लिए। ये देखें, ये अब इस तरह से हम एक में
कनेक्ट यहाँ करेंगे एक एक वायर को। तो इस तरह से तीनों में वायर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ये जो वायर है ये एंटीना का वायर है, तो इन सभी को अच्छे से सोल्डिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आई इसमें सोल्डिंग करने का, तो इसमें आपको पेस्ट को इस तरह से लगा के आप सोल्डिंग कर सकते हैं। ये ग्राउंड का वायर है, इसमें भी हम सोल्डिंग कर लेंगे। पेस्ट लगाने से अच्छी तरह से आपका सोल्डिंग भी होगा। ये देखिए सोल्डिंग हो चुका है। तो इस तरह से तीनों वायर में सोल्डिंग हो चुका है। अब ये देखिए इस तरह से ये सारा कनेक्शन हम यहाँ पर कर लिए हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए ये जो कनेक्टर है इसका भी ये वायर सब सोल्डिंग हो चुका है सभी वायर। अब जो आया इस कार्ड में एक एक जैक को लगाने का, तो इस तरह से ये देखिए ये 5 वोल्ट का इनपुट हम इसमें लगा लेंगे। इस तरह से ये जो है एक कनेक्टर, ये इसमें यहाँ से आउटपुट आपको ऑडियो निकलेगा, तो इसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब बारी आई क्या कि इसमें लाइन इन करने का, तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ स्पीकर को भी मैं कनेक्ट कर लिया हूँ इस एम्पलीफायर से यहाँ देखिए, और यहाँ जो ये वॉल्यूम है उससे भी ये कनेक्ट हो चुका है वायर सब। अब हम इसमें लाइन को इनपुट कराएंगे वायर को कनेक्ट करके। ये देखेंगे यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है दो। अब आप यहाँ पर वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। ये मैं इसमें लाइन को इनपुट कर दिया हूँ। यहाँ से आपका बटन ऑन ऑफ होगा। ये देखें आपका ये ऑन हो चुका है, इसमें 5 वोल्ट इनपुट आ रहा है, तब ये आपका जो कार्ड है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जब हम यहाँ पर स्पीकर को वॉल्यूम को जब हम यहाँ पर तेज करेंगे, तो ये देखिए आपको कड़कड़ाहट की आवाज़ जो आ रही है ये आ रही है। ये बॉडी से कनेक्ट नहीं है इसी के लिए, ये देख सकते हैं। और यहाँ जब हम चेंज करेंगे AUX मोड, ये आप सुन सकते हैं ये ब्लूटूथ मोड, FM मोड, तो ये जो है रेडियो का है। ये रिमोट जो आप देख रहे हैं, ये रिमोट के पीछे से आप इसके भाग को यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से निकाल लेंगे तो ये आपका रिमोट जो है अब वो वर्क करेगा इस तरह से। तो चलिए अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, ये जो है अभी रेडियो का है, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे। ये देखें ये रेडियो का है, और इसमें हम ये कार्ड को लगाएंगे। प्ले बाय यूएसबी ड्राइव, वी कार्ड इन्वर्टर जाडो का है दोस्तों, 1050 इन्वर्टर है। ये देखिए ये आपका रिमोट है, यहाँ से हम वॉल्यूम बढ़ा के दिखाएंगे आपको। ये देखें यहाँ वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, ये फीचर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। ये वी कार्ड का इन्वर्टर है, इसका पीछे देख सकते हैं सारे दोस्तों, इसका बैक पैनल में ये स्पीकर में हमारी आवाज आप सुन रहे हैं। ट्यूबलर लोकल देखिए एनसी दिया हुआ है दोस्तों, करंट के लिए, नॉर्मल करंट के लिए। यहाँ दो वायर जो निकला हुआ है दोस्तों वो लाल और ब्लैक जो है दोस्तों, यहाँ एक्सटेंशन फैन इसमें लगा हुआ है, मेन लीड है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको मैं ये मेमोरी कार्ड लगा करके चेक करूंगा। ये देखिए ये मेमोरी कार्ड को आप इस तरह से इन कर लें। प्ले बाय TF कार्ड यूट्यूब चैनल में आज हम जानेंगे दोस्तों ये वी कार्ड इन्वर्टर, ये हमारी आवाज जाडो का है दोस्तों, यहाँ देखिए सैंपल मेमोरी कार्ड का। ये देखिए अभी चार्जिंग पॉइंट पर लगा हुआ है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों इसका ईपीएचएल कुछ दिया हुआ है दोस्तों, वो आप इससे
अब आप देखेंगे इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं इस रिमोट से इसके ब्लूटूथ को कनेक्ट करूंगा। ब्लूटूथ मोड, और इस तरह से आपको मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसमें दिखाऊंगा। यहाँ से ऑन कर लें ब्लूटूथ को, ये देखें ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, ये देखें नीचे आ चुका है JBB09B, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए कनेक्टेड हो चुका है। अब इसमें हम सॉन्ग बजाएंगे, ये सुन सकते हैं आप। है दोस्तों 1050 इन्वर्टर है, ये देखिए अभी चार्जिंग वन पर लगा हुआ है इस तरह से, ये देखिए दोस्तों इस तरह की जो कुछ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है और इसकी आवाज आप सुन सकते हैं। ये फीचर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ये वी कार्ड का इन्वर्टर है, इसका पीछे देख सकते हैं सारे दोस्तों, इसका बैक पैनल में आउटपुट। तो देखा आपने किस तरह से ये जो ब्लूटूथ का कार्ड है इसका किस तरह से मैं आपको सारा चेक करके दिखाया, यूएसबी से, फिर यहाँ मेमोरी कार्ड, फिर ब्लूटूथ से, यहाँ पर आप ऑक्स लगा करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए कि किस तरह से ये सारा कनेक्शन जो है वो अच्छी तरह से ये पीसीबी बोर्ड में अवेलेबल है और इससे आप बजा सकते हैं। एक छोटे से एम्पलीफायर में आपने देखा कि किस तरह से ये सारा कनेक्शन जो है वो करके मैं आपको दिखाया। तो इसी तरह का मैं बहुत सारा ही वीडियो लाता हूँ, और आप इस तरह से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और इसी तरह का मैं ढेर सारा वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।